आज हम आजाद हैं। भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन यह आज़ादी भी बहुत मुश्किल से मिली थी। इस आज़ादी का हमने बहुत बड़ा मोल भी चुकाया है। देश के हजारों युवाओं ने आज़ादी की बेला पर अपनी जान को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही युवा शहीद थे भगत सिंह। भगत सिंह का नाम आते ही हमारे दिल में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का चेहरा सामने आता है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्रांति का रास्ता चुना और फांसी को हंसते हंसते स्वीकार किया। भगत सिंह ने उस समय युवाओं के दिल में क्रांति की जो मशाल जलाई थी उसे अद्वितीय माना जाता है। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए क्रांति को ही सशक्त रास्ता बताया और खुद भी इसी पर चलते हुए शहीद हुए और शहीद आलम कहलाए। कई लोग भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 बताते हैं, कुछ 28 सितंबर 1907। उनकी जन्मतिथि पर संशय जरूर है, लेकिन उनकी देशभक्ति पर रत्ती भर भी शक नहीं। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने लोगों की दया की चाह नहीं की और फांसी को ही स्वीकार करना सही समझा। कई लोग मानते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था। अगर गांधी जी ने भगत सिंह का साथ दिया होता और उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई होती तो मुमकिन है देश अपना एक होनहार युवा क्रांतिकारी नहीं खोता। मैं देश के युवाओं को आगाह करता हूँ कि वे उनके उदाहरण के रूप में हिंसा का अनुकरण नहीं करें। उनके इस बयान के बाद यह सवाल देश के लगभग हर राज्य में गूंजा कि आखिर क्यों गांधी जी ने देश के इस महान क्रांतिकारी को बचाने की दिशा में कार्य नहीं किया और क्यों गांधी जी ने भगत सिंह की विचारधारा का विरोध किया। इस सवाल के जवाब में कई लोग मानते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह का समर्थन किया होता तो उनकी खुद की विचारधारा पर सवाल खड़े होते और जिस अहिंसा के रास्ते पर वह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे उस पर वह पीछे नहीं मुड़ सकते थे। इस चीज़ से साफ है कि गांधी जी और भगत सिंह की विचारधारा ही वह मुख्य वजह रही जिसकी वजह से दोनों के बीच टकराव हुए और गांधी जी ने भगत सिंह से दूरी बनाना ही सही समझा। भगत सिंह हिंसा और क्रांति को ही अपना रास्ता बनाना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी अहिंसा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे। अंततः भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी गई। यह फांसी यूं तो 24 मार्च 1931 की सुबह फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रितानिया हुकूमत ने नियमों का उल्लंघन कर एक रात पहले ही तीनों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। अंग्रेजों ने भगत सिंह को तो खत्म कर दिया, पर वह भगत सिंह के विचारों को खत्म नहीं कर पाए जिसने देश की आज़ादी की नींव रख दी। आज भी देश में भगत सिंह क्रांतिकारी की पहचान है।